ये फरमाइएगा कि पहले मर्सिडीज के टायर और मर्सिडीज के मामलात थे, कोशिश वगैरह उसकी, वो जबाने ज़दे आम हुई, अब हेलीकॉप्टर की जैसे आपने फरमाया कि हो गया, मुझे समझ आ गया, बारी भी नहीं हुई है और उस अलबदारी के बगैर यकीनन सेनेट का इलेक्शन भी नहीं होगा, तो एक और वायलेशन, एक और आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसका सेहरा इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ जाता है कि मुल्क के अंदर जहां एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहां पर एक सूबाई असेंबली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है और वो जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शंस के लिए उन्होंने आज हाउस को कन्वीन भी नहीं किया और ये एक और सेहरा है जो आइन और कानून की आजकल दुहाइयां देते फिरते हैं, जिनको आइन और कानून आजकल बहुत याद आ रहा है, अदलिया बहुत याद आ रही है और अपना जो है वो माजी भूल गए हैं कि कहाँ पर जो है वो फैजाबाद जो धरना है उसकी पादाश में काजी फाजिसा साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ साजिश की गई, उनके खिलाफ रेफरेंस मूव किया गया, उनको अजियतें दी गई और आज जो है वो आइन और कानून के अलमबरदार होकर वो परचम लेके निकले हैं, वो आइन और कानून का जो है इंसाफ का बोलबाला करेंगे। और ये भी जो एक आइनी खिलाफवर्जी है इस वक्त वो पूरा कौम, पूरा पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया भी देख रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से हमेशा आइन की स्कीम ही बदल दें, आप आइन के खदो खाल को बिल्कुल बदल लें, चूंकि मुझे ये ठीक लगता है, आइन है को नाक की मोम की जो है वो नाक नहीं है, जिधर आप घुमाएंगे आपका दिल चाहेगा कौमी असम्बली तहलील कर दें, आपका दिल चाहेगा आप ओथ लेने से इनकार कर दें, आपका दिल चाहेगा आप असम्बलियां डिजॉल्व कर दें, आपका दिल चाहेगा आप सेनेट का इलेक्शन नहीं करा रहे। सो इस तरह से ये हो नहीं सकता और उनको फिक्र जो है केपीके वालों को सबसे ज्यादा पंजाब की है, वो भाई अपनी तो देख लो, और वो बेस्टर सैफ साहब जो है पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, अब उन्होंने जो है वो एक हेलीकॉप्टर मरीन नवाज शरीफ लेने जा रही है, बिल्कुल लेने जा रही है मरीन नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर, लेकिन अपने लिए नहीं, वो एयर एम्बुलेंस खरीदने जा रही हैं और वो जो आपकी पांच साल की चार साल की हुकूमत जो है वो दावे करने के बावजूद नहीं कर सकी, वो मरीम नवाज शरीफ करने जा रही हैं। और ये झूठी इस तरह की बातें करके, ये प्रोपेगेंडा करके, अगर इनका कोई भला होता तो भाई शौक से करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा दिन रात काम कर रही हैं आम आदमी की भलाई के लिए, एयर एम्बुलेंस वही लेके आएंगी इंशाल्लाह ताला पंजाब के अंदर, जो पहले बहुत सारे लोग दावे करते रहे, वादे करते रहे, और ये बैरिस्टर सैफ साहब को या तो किसी ने बताया था उसको उसके कान खींचे या अपने कान खींचे कि पूरी खबर तो पढ़ लिया करें, पूरी खबर क्या है, पूरी खबर का आपको पता नहीं होता और कुत्ता कान ले गया कि पीछे आप भाग पड़ते हैं। शुक्रिया जी। अच्छा ये बताइएगा कि रोटी माफिया, रोटी माफिया बहुत ज्यादा गर्म हुआ है पंजाब के अंदर, बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है और जगह जगह जो इम्तहान लिए जा रहे हैं बच्चों के उसमें बूटियां इस्तेमाल हो रही है, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत, देखिए ये पहले भी बूटियां इस्तेमाल होती नहीं है लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने जो है वो नजर नहीं रखी, जिस तरह पहले इस मुल्क में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया कि कूड़ा भी उठाना होता है या कूड़ा उठाना भी जो है वो भी हुकूमतों का काम होता है, इसी तरह बूटी माफिया को जो है वो हमारे वजीर तालीम ने एक्सपोज किया और हर इम्तिहानी सेंटर में जाकर हमारे बाकी वजरा भी जो है वो सेंटर्स में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं बूटी माफिया को। पहले भी हमारे शहबाज साहब के दौरे हुकूमत में बूटी माफिया का कोई जो है वजूद नहीं था पंजाब के अंदर, ये पिछले चार साल की मेहरबानी है, जहां बाकी बूटियों वाले आए थे ये बाकी बच्चों को भी बूटियां चलानी सिखा रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। बूटियां नहीं चलाने ये फरमा दें कि पहले बाकी है, मियां आसम इकबाल को भी अभी तक हलफ उठाने की इजाजत नहीं जा रही, ना उनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है। सेफ पैसेज का क्या मतलब होता है भाई, दहशतगर्दों को सेफ पैसेज कैसे दिलाएं, उनके लिए कोई यहाँ पर तैयारी कराए, ऐसा करते हैं कि ओथ उठाकर उनके घर ले जाते हैं या जिस बिल में वो घुसे हुए हैं वहां जाकर उनसे कहते हैं कि भाई ओथ ले लो, डा पारा जड़ा जो उनको चुकिया नहीं जाना। ये फरमाइएगा कि पहले मर्सिडीज के टायर और मर्सिडीज के मामलात थे, कोशिश वगैरह उसकी, वो जबाने ज़दे आम हुई, अब हेलीकॉप्टर की जैसे आपने फरमाया कि हो गया, मुझे समझ आ गया, बात गुजारिश है कि ये झूठी सच्ची बातें करना, ये प्रोपेगेंडा करना, ये जो है चूंकि अपने पल्ले कुछ नहीं बताने के लिए, मुझे आज तक कोई केपीके की हुकूमत एक बता दे को उन्होंने कोई मीटिंग की हो। अच्छा मजे की बात है, मुझे कल मैं बड़ी मुसद्दका इतलात आपको देने लगी हूँ, मुझे केपीके के जो एक बहुत आला अफसर है उनके थ्रू हमें पता चला कि अल्लाह के फजल से केपीके की हुकूमत जो है वो इफ्तार के बाद उठती है और इफ्तार के बाद जो है वो कोई दो चार बंदों के साथ बैठ के ऐसी तस्वीरें शस्वीरें खिंचा लेते हैं, वो तस्वीरें भी बाय द वे अपलोड नहीं होती और कख करके उन्होंने दौरा नहीं किया। आज भी डोलियों पर लटकते हैं केपीके के लोग, आज भी जो है वो केपीके के अंदर ना तालीम की सहूलियात है ना सेहत की सहूलियात है और बात उनको करनी है पंजाब के ऊपर। जाहिर है बेचारों के पास खुद के पल्ले तो है नहीं कुछ बताने के लिए, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह की झूठी खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केपीके के लोगों को कम अज कम गिरेबान पकड़कर अपने जो हुक्मरान है उनको पूछना जरूर चाहिए कि भाईजान आपने हमारे लिए क्या किया है ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी क्या मरियम नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप का असर है या कोई
चमत्कार दिखाया है, कुछ रोशनी दिखाई है आगे चल के, उन्होंने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया? नहीं नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ही उनको जो है वो दावत दी थी, पहले भी वो हमारे इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उन्होंने वोट भी दिया था और उनकी मेहरबानी है, वो हमारे साथ केपीके हमारी कौमी असम्बली में भी, पंजाब में भी हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल उनको बुलाया था, सीएम साहिबा के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी जो खातून है उनको विड्रॉ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्मूथली जो है वो हाउस। अच्छा मैडम, मैडम बताइएगा कि रिपोर्टर्स को तो जो है वो आपने साथ में लेके प्लॉट दे दी है, लेकिन कैमरामैन जो है उनको सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, उनको साथ में लेके प्लॉट देंगे कैमरामैन को, सबके लिए सब कुछ बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से होगा इंशाल्लाह। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।